जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकंड ईयर 20th चैप्टर डार्सी एंड एलिजाबेथ है ना। इसके बाद 21 है, लास्ट चैप्टर है, वो हम कर लेंगे। इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, बेंगले है वो प्रपोज करता है जेन को, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी एंड डार्सी ने बेंगले को ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जितना तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जेन भी उतनी ही है। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम्स हैज़ सॉल्व, एलिजाबेथ ने डार्सी को बताया कि नहीं उसकी जो सिस्टर है वो शी इज़ इन लव विद बेंगले। सो बेंगले को उसने हर बात बता दी, तो अब बेंगले और जेन में बातें हो रही हैं एंड बेंगले उसे प्रपोज करता है। एंड देन व्हाट हैपन, क्योंकि ये चैप्टर है डार्सी और एलिजाबेथ का, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स हम इनमें देखेंगे कि कैसे उनकी सॉल्व होती है इसमें। और क्या बात हो रही है कि जो एलिजाबेथ है, यहाँ पे लिखा है व्हेन एलिजाबेथ वाज अलोन, तो मिस्टर डार्सी उससे बात करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एलिजाबेथ भी क्या कहती है कि जो मेरी सिस्टर है लीडिया है ना, उसने जो भी कुछ किया और तुमने बहुत हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिस्टर डार्सी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश क्रिएचर हूँ एंड मुझे किसी और की फीलिंग्स इतनी नज़र ही नहीं आती, बट जो तुम्हारी पुअर सिस्टर है ना, जो भी लीडिया के लिए मैंने किया वो एक तरह की छोटी सी हेल्प थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड डार्सी को वो सॉरी कह रही है और डार्सी भी सॉरी के साथ रिप्लाई कर रहा है। एंड जो लीडिया है उसके बारे में बात हो रही है, एलिजाबेथ क्या कह रही है कि जो लीडिया है वो थॉटफुलनेस है, वो कुछ भी नहीं सोचती एंड शी डज द वर्क विदाउट थिंकिंग। एंड एलिजाबेथ एंड अगेन शी इज सेइंग थैंक यू है ना। एंड डार्सी इज सेइंग कि प्लीज़ डोंट से द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, आई नो कि तुम्हारी बहन की मदद मेरी थ्रू हुई। अब क्या है, एलिजाबेथ भी बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड है क्योंकि उसने डार्सी को काफ़ी कुछ गलत भी बोला है। ऑन द अदर हैंड जो डार्सी है वो भी कह रहे हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पे मेरे साथ लड़ती रही, क्या तुम्हारी जो फीलिंग है जो लास्ट अप्रैल में थी वही है मेरे लिए अभी, क्योंकि लास्ट अप्रैल में क्या थी उसकी फीलिंग्स, वो एलिजाबेथ है डार्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो पूछना चाहता है कि अभी भी वही फीलिंग है क्या, कोई चेंज आया है? तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी तुम उससे बिल्कुल अलग हो, मेरी थिंकिंग मेरी जो व्यूज़ हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एज़ यू हेल्प्ड माई सिस्टर लीडिया एंड यू आर वेरी गुड पर्सन है, आई वॉज थिंकिंग यू आर नॉट अ गुड पर्सन बट इन रियलिटी यू आर अ वेरी गुड पर्सन। अब क्या है, वो दोनों इकट्ठे चलते जा रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग, दे डोंट नो कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, बट बिकॉज दे वॉन्टेड टू टॉक विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दे आर इन लव विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड है एंड दे आर गोइंग, बट दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, कौन सी डायरेक्शन में उनको जाना है। वो जाते जाते बातें करते जा रही हैं, उनकी जो फैमिली की बातें हैं वो कर रही हैं। देन वट डिड यू से ऑफ मी दैट आई डिड नॉट डिज़र्व है ना, जो डार्सी है वो कह रहा है कि तुमने मेरे लिए जो कहा मैं उसके लिए डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन एलिजाबेथ क्या कह रही है कि नहीं यू आर अ वेरी गुड पर्सन है ना, कहती है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी जो कुछ भी तुमने मेरी मदद की, मतलब मेरी फैमिली के लिए मदद की। अब क्या है, डार्सी कह रहा है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम जेंटलमैन लाइक पर्सन बिल्कुल नहीं हो, तुमने मुझे एक बार कहा था, तो ये बातें तब की हैं जब एलिजाबेथ उसको नापसंद करती थी। और डार्सी कह रहा है कि प्लीज़ वो बातों को भूल जाओ, उनको छोड़ दो, अर्लियर जो मेरी थिंकिंग थी तुम्हारे लिए, जो मेरी प्रेजुडिस थी तुम्हारे लिए वो अलग थी, लेकिन टुडे आई एम टोटली डिफरेंट। जो प्राइड थी डार्सी की प्राइड, एलिजाबेथ की प्रेजुडिस। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पेज 147, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो यही बात करिए, देखो ऑल हर फॉर्मर जो प्रेजुडिसेस हैं वो सारी रिमूव हो गई, अब वो डार्सी को बहुत अच्छा बंदा समझ में रही है। वो कहता है कि डार्सी कहता है कि जब मैं बच्चा था ना तो मुझे ये नहीं पढ़ाया गया था, ये नहीं बताया गया था कि अपने टेम्पर पे कैसे कंट्रोल करना है, मुझे जस्ट यही बताया गया था कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं उन पे चलो, जो सच है सही है वैसे चलो, तो मैं इतना डायरेक्ट इसीलिए हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि टेम्पर को कंट्रोल कैसे करना है। तो एलिजाबेथ कह रही है कि वो एलिजाबेथ को बोल रहा है कि ये तुमने मुझे सिखाया और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, मुझे एक मैनर से ही किसी के सामने आना चाहिए। एंड वो वॉक कर रहे हैं बड़े आराम से, फिर वो अपनी वॉचेस को देखते हैं और वो क्या देखते हैं कि टाइम बहुत हो गया, अब उनका घर जाने का टाइम है। दूसरी तरफ क्या है, मिस्टर बेंगले और जेन हैं वो भी आपस में काफ़ी बातें कर रहे हैं, अपने अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी जो इंगेजमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
एंड उनकी बातें सुन के आई मेड अ कन्फेशन टू बिंगले। ये कौन कह रहे? डार्सी कह रहे हैं एलिजाबेथ को कि मैंने बिंगले के आगे भी कन्फेस कर दिया कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया कि जो जेन है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, वो तुम्हें भी उतना प्यार करती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, पर जब तुमने बताया, जिसने एलिजाबेथ ने बताया, तो ही इज़ थिंकिंग कि नहीं, शी इज़ इन लव विद हिम। सो हमारा ये चैप्टर है इसे ख़त्म होता है और वो कॉन्टीन्यूसली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, और जब हॉल में पहुंचते हैं तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। एक चैप्टर रह गया है 21, वो भी मैं बड़ी जल्दी आपको, वीडियो हैप्पी एंडिंग का है, वो भी बना के मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।